मैंने पहले भी आप सभी साथियों को बताया था, मैंने ईमानदार सरकार को और ईमानदार मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दिया था। लेकिन आज मुझे इस बात का पता लगा, ये सिर्फ एक ढकोसला है और मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं अपना समर्थन वापस लेने की कल सुबह जो है ना स्पीकर साहब को अपना लेटर सौंप दूंगा। क्योंकि ये कारण वजह यही है, आज जब मेरी तबीयत खराब थी और मैं अपने घर चला गया था आप साथियों से मिलकर, लेकिन जब मैंने लाइव पे टीवी में देखा किस प्रकार से उन मुद्दों का, यूएलबी डिपार्टमेंट में एसआईटी गठित हो चुकी है, लेकिन एसआईटी गठित होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी सारे मुद्दों का जस्टिफिकेशन देने में लगे हुए थे। एक जो एसटीपी इशार में 27 करोड़ करनाल में 72 करोड़, उसकी जस्टिफिकेशन देने में लगे हुए। तो मैंने जब उस चीज को देखा तो मैं वहां से घर से वापिस सदन में पहुंचा और मैंने मुख्यमंत्री से पूछा, मैं कहा आप जस्टिफाई कर रहे हो, इसका मतलब कोई एसआईटी की जरूरत, रिपोर्ट की जरूरत नहीं। मैंने मुख्यमंत्री से सवाल किया, मैं आपकी उसके ऊपर कोई वो नहीं करता क्वेश्चन, आपके उस पर ईमानदारी है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपका तो दो ही लाइन का जवाब होना चाहिए कि ईमानदार अधिकारी की एसआईटी बनाकर इसकी जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जवाब दिया है तो मैं उस बात से बहुत आहत हूँ और मुझे इस बात का आज बड़ा अफसोस है कि आज की राजनीति किस स्तर पर जा रही है। ये ईमानदारी की बातें करना और वो बातें करना आज सिर्फ एक स्पीच, एक भाषण मात्र रह गया है। तो मैं पहले भी आप सभी साथियों से मैंने इस बात का ऐलान किया था, मैंने समर्थन ईमानदार सरकार, ईमानदार मुख्यमंत्री को दिया था, लेकिन आज मुझे देखकर ये लग गया है यहाँ वही ईमानदार है जो मुख्यमंत्री का यस मैन है, मुख्यमंत्री जी का लॉयल है जो, और ऐसे ऐसे लोग जिनके बिल्कुल क्लियर कट पूरा प्रदेश बोलता है अगर वो भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त हैं, उनको क्लीन चिट देना मुख्यमंत्री जी का, तो मैं ऐसे सरकार को उसको अपना समर्थन जारी नहीं रख सकता। मेरी आत्मा इस बात के लिए गवारा नहीं करती। तो मैं अपने साथियों के सामने ऐलान करता हूं कि मैं अपना समर्थन इस भ्रष्ट सरकार का जो समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री हैं उससे वापस लेता हूं और कल सुबह अपना लेटर मैं विधानसभा स्पीकर को वापसी का सौंप दूंगा सभी को। कुछ आरोप भी लगे, क्या कहेंगे पूरे मुख्यमंत्री का आज के बयान? देखिए, जो आरोप लगे थे सरकार के ऊपर, उन जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, इसका मतलब उनको सबको क्लीन चिट दे दिया इन्होंने। किसी की इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे ये उसका जो जिस प्रकार से भूषण प्रताप जी ने कई और घोटाले उजागर किए थे, किसी भी घोटाले के ऊपर उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया उसमें कि अब उसकी इंक्वायरी कराएंगे। और कोई एक आज ऐसी बात की 6 साल पहले कोई कह रहे जो बात हुई आपके सामने, इतने जिम्मेवार पद पर बैठ के ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, गैर जिम्मेवार, वो बात आज मुख्यमंत्री जी ने कही, ये कोई प्रजातांत्रिक अच्छी बात नहीं रही। कल मुख्यमंत्री, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री बजट भी पेश करेंगे, उस बजट से किस तरीके की आप उम्मीदें आप लगा के रखते हैं? क्योंकि 4 दिन तक आपने ये भी देखा, 5 दिन तक सत्र देखा, उससे पहले उन्होंने विधायकों से तमाम वर्गों से चर्चा करने की बात भी करी थी, अब क्योंकि अब समय है बजट पेश करने का, उस पर बजट देखेंगे हम। अगर बजट में जो इन्होंने जो वायदा करके लोगों से वोट लेके आए हैं, जो सरकार बनी है दोनों पार्टियां, अगर वो वायदा पूरा करेंगे तो हम उसकी सराहना करेंगे और नहीं वायदा करेंगे तो लोगों के साथ